गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसा पंखा बना के दिखाने वाला हूँ जो कि वो किसी लाइट से नहीं चलता, ना किसी मोटर से चलता है, वो सिर्फ चलता है तो सिर्फ अपने आप चलता है पंखा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। उसके लिए चाहिए एक पेपर, ठीक है, ये मैंने रखा है एक पेपर ये, ठीक है। और फिर चाहिए एक स्केल, ठीक है, और चाहिए एक कैंची, ठीक है। फिर उसके लिए कुछ सामान चाहिए जो कि है ये मेरी छोटी सी गुड़िया के बैग में, ठीक है। तो इसके बैग खोलते हम, ये निकालते बॉक्स ज्योमेट्री, ठीक है। वो पंखा बनाने के लिए इस पेपर को थोड़ा सा काटेंगे हम। इस पेपर गाजों से ये आप स्केल के बराबर ले सकते हो। वैसे मैं स्केल तो यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हमने इस पेपर को इस तरह सिर्फ एक बार इतना मोड़ा है ये। अब हम इसको यहाँ से करेंगे कट। ठीक है, और सेम ऐसे ही सेम इसी साइज का एक और काटेंगे हम। गाइस ये पंखा वैसे तो है बच्चों के लिए खिलौना, ठीक है। बच्चे इसको खूब मतलब घुमाते हैं, नचाते हैं, ठीक है। शायद आप लोगों ने भाई देखा भी हो कभी, ठीक है। सो गाइस हमारा ये कट चुका है तीन पेपर, ठीक है। अब हम इसको तो चाहे हम इसको अब यहाँ से कर लेते हैं, बीच से मोड़ देते हैं, फोल्ड करते हैं। आप देखिए, ये देखिए, हम इसको यहाँ बीच में से ऐसे कर देंगे, फोल्ड कर देंगे ऐसे, इस तरीके से इसको मोड़ देंगे, ठीक है। और तीनों को सेम ऐसे मोड़ देंगे, ये देखिए, इसको एक बराबर करना ये चीज़। ठीक है, और ये तो वाइट है, चाहे आप इसको कलरफुल भी बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि आप, जैसे कि डोम्स का मोम कलर है, जैसे आपको एक एक पंखड़ी करनी है ये रेड, ठीक है। तो आप इस तरीके इसको खोलिए इस तरीके से, और ये जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये देखिए, इसको इस तरीके से ऐसे कलर कर सकते हैं आप, ठीक है। और पूरे में कलर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने कलर करके रखा हुआ है पहले से, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये देखिए इस तरीके से, ये रेड है, ग्रीन है, येलो है, ठीक है। अब हम इसको बना के दिखाते हैं कैसे बनता है पंखा ये, ठीक है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये ना तो किसी वायर से ना किसी मोटर लगेगी, फिर भी चीज़ चलेगी। देखिए पहले तो आप तीनों पेपर ऐसे रखिए, ठीक है। फिर देखिए, एक पेपर को ऐसे लीजिए, एक को ऐसे लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा वाला है, इसको इस तरीके से डालना है, ऐसे रखना है इसके, ठीक है। फिर तीसरा वाला इसको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। फिर तीसरा वाला ये ग्रीन के अंदर ऐसे घुसाना है, ठीक है। फिर तीनों को ऐसे मिला देना है, ये देखिए, सो गाइज हमारी पंखड़ी बन के हो चुकी है रेडी इस तरीके से। अब आप सोच रहे हो ये तो घूमेगी कैसे, ठीक है। हम इसके लिए एक बनाएंगे एक रॉड पेपर की, स्टॉप हो चुके हैं रेडी, ठीक है। अब हम अपने गुड़िया के बैग में से निकालते हैं बुक, ठीक है। अब हम इस बुक का लेना है एक पेज, ठीक है। हम पेज को यहाँ से कर लेते हैं, फाड़ लेते हैं, ठीक है। और इसका बुक रखते हैं यहाँ पे, इसको रखते हैं। अब हम इसको करेंगे रोल। तो गाइस देखिए, आपको इस तरीके इसको रोल करना है, ये देखिए, इसको रोल करना है। वैसे यहाँ पे लगानी है टेप। तो गाइस हमने इसको ऐसे मोड़ लिया है, फोल्ड कर लिया है रोल। अब हम इस पर लगा देंगे थोड़ी सी टेप,
आप कोई सी भी टेप लगा सकते हो, एफ या ग्लो होता है, ग्लो से चिपका भी सकते हो। मैंने टेप लगा दी इसमें ऑलरेडी, ये इस तरीके से यहाँ पे लगानी टेप, ठीक है। अब जो इसका ये वाला हिस्सा होता है, इसको हमको तो करना है थोड़ा सा मोड़ना है ऐसे, इस टाइप का इस कर देना रोल, ठीक है। सो गाइज फिर ये हो गया हमारा रॉड तैयार। सो गाइज आप लोग जैसे कि देख सकते हो पंखड़ी बनके हो चुकी है रेडी, ठीक है। आप इस तरीके से भी बना सकते हो इसको, ठीक है, अपने बच्चों को दे सकते हो भाई खेलने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ ये चलती कैसे, ठीक है, जैसे कि रोल में आपको बना के दिखा दिया हूँ, ठीक है। अभी हम इसको इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से ऐसे, ठीक है, और देखिए आप लोग ये देखिए। तो गाइस देखिए आप लोग ये देखिए पंखड़ियाँ घूम रही है। आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हो, जैसे कि आप किसी चीज़ से, जैसे जैसे मेरे पास ये पिलास है, ठीक है, ये देखिए मैं इसको पिलास में ऐसे करके इसको दबा देता हूँ, ठीक है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा पंखा ये घूम रहा है, ठीक है। ये ना तो किसी मोटर से चल रहा है ना किसी लाइट से चल रहा है, लेकिन फिर भी घूम रहा है। ये घूम रहा है सिर्फ ऊपर जो पंखा चल रहा है वो देखिए, ठीक है। अब पंखे को घूम रहा है, ठीक है ना, बना के दे सकते हो, बच्चे आराम से घुमा के खेलते रहेंगे। आप खिलौना लेके आते हो उसमें सेल लगाते हो, जब खिलौना घूमता ही देखिए ये अपने आप ही घूम रहा है ये। सो गाइज आप लोग देख सकते हो ये देखिए, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो फिर मेरा छोटा सा प्यारा सा पंखा आप लोग कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो भाई इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है, अपने बच्चों को ज़रूर ये चीज़ बना के दिखाएं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।